अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल? ठीक हो? और उम्मीद होगी ठीक हो गया आप। और सीनिया, क्या आज हमने जाना था, कोई काफी दिन से प्लान बना था हमारा वहाँ पे जाने का, लेकिन लॉकडाउन था और साथ में थोड़ा घर के मामला भी होते हैं तो बिजी थे वहाँ पे, और आज हम जा रहे हैं और वहाँ पे जाकर आप बताएंगे, आप होप इंजॉय करोगे। और मेरे साथ मेरा भाई है छोटे दानियाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छी होंगे। आज हम आपको बहुत ही प्यारी और अच्छी जगह दिखाएंगे इंशाल्लाह, आप एंजॉय करेंगे इस जगह को। तो चलते हैं फिर। हम इधर पहुंच तो गए हैं, लेकिन सीन ये है कि अपने पार्टनर, हम इधर पता नहीं हमारे पार्टनर कहाँ पे, क्योंकि दो भाई थे या शायद ज़्यादा हूँ, और उनके साथ रब्ता हुआ था कि, और ये सीन हमने पूरा बनाया था जो आपने पीछे ट्रैवलिंग में देखा होगा। और यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद हमें पता ही है कहाँ पे, बड़े रास्ता पूछ कर आए हैं और बहुत ही कन्फ्यूजन वाली ये साइड है। तो अभी उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पता अदरीस भाई है नाम उनका और राशिद भाई नाम है, तो दिखाते हैं आपको फिर, अगर उनसे कांटेक्ट हो गया नहीं तो यहाँ से शॉर्ट लेके तो इजाज़त लेंगे आपसे। अच्छा गाइस, सीन ये है कि हम इधर कलवड़ी साइड है, कलवड़ी कोई हमारे जो पार्टनर थे इन भाई लोग, वो तो अभी तक नहीं, और हम उनका वेट कर रहे हैं, आएंगे तो फिर उनके साथ और गपशप होगी और बाकी जो सीन शीन है, और
शायद ड्रोन का शूट भी हो, और ये आपको शो करेंगे पूरा ये जो कलवरी का है। और दानी भाई से पूछते हैं कि उनका क्या सीन है, क्या उनका हाल से ठीक है अभी के नहीं। बस आपको क्या बताएं गाइस, हम घूम घूम के थक गए हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा। तो उनको हम फ़ोन भी करते हैं, वो कहते हैं बस थोड़ी देर में आते हैं हम। तो बस ये देखें, आपके सामने वेट कर रहे हैं हम काफ़ी देर से उनका, तकरीबन हमें 1.5 घंटे हो गए तो बस वेटिंग कर रहे हैं। और ये देखें आप राशिद भाई, ये अपना ड्रोन सेट कर रहे हैं, तो इसके बाद लेंगे ड्रोन शॉट, फिर हमारी इनसे मुलाकात होगी और इनकी थोड़ी क्लास होगी। बड़ा वेट कराया दिलीप भाई ने हमें। दिलीप भाई हमारी ड्रोन शूट करी, हम आपको दिखाएंगे आगे। तो अभी वो आए यहाँ पे, क्योंकि दूर खड़े हमसे, ये कसी में पानी होने दे रही जिसकी वजह से बड़ा मसला है। तो गाइस फाइनली हमें जो भाई थे हमारे दिलीप भाई वो मिल ही गए हैं, लेकिन बड़ी अजीब हालत में। या बिल्कुल जी, क्या गल है, असल ये जड़ी चीज नहीं है, उर्दू बोलना सर आप इस बात से तो इधर असल ये जड़ी चीज नहीं सी, इस जे रुकया हो सा पार रार जड़ा नहीं, जिसरा बॉर्डर होना इंडिया ता पाकिस्तान ना, तो फिर खूनी लकीर जे पानी वाली लकीर समझो पार कीती है अगर मिले हालो सब तक की सकड़े सर है तो को लात ना नहीं सर, बड़ी मेहरबानी इनकी माशाल्लाह जजाकल्ला। सुनाओ कैसा लगा जी आपको? लगा का दिस भाई था पागल ही गेंग साहब मैंने था। हां तो असल इतना रेड नहीं है ना, इस साइड से नजारे कराल खूब फर्स्ट टाइम आया ना। चलो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह कल बड़ी कवर हुई है ना, तो होना है फ्लीर शरीफ दे सारे इलाके भी आस्ता आस्ता क्लियर। चलो फिर एंडिंग करनी हमसा नाली सही है जी, कोई आस्ता नहीं, इंशाल्लाह कोई ड्रोन ने वीडियो भी लाया पैना पर तक। हां बिल्कुल दसा सा सा कुछ ठीक है गाइस, फिर अल्लाह हाफिज। गाइस के साथ हम करते हैं वीडियो एंड, और जिस भाई से आप मिल सकेंगे आज हमारी गप शप नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी, और साथ ही हमारे लिए बहुत ही क्या था रास्ता दिखाने का, हमें बहुत ही कंफ्यूजन हुई है, और इसी वजह से हम जिस भाई से मिल नहीं सके और गप शप नहीं हुई। बिल्कुल जिस भाई वहाँ पर खड़े हैं वो अपने कोई पहुँच हो तो रहे हैं, तो उनके उनका बड़ा थैंक्स कि उन्होंने हमें टाइम दिया, और उनके साथ भी हमारा लोग हुआ करेगा, और उनके अलावा भी। तो आइंदा से हम डेली अपलोड रखेंगे। यहाँ पे हमारा होता है एंड, और आपने वीडियो को फुली देखा होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें। और बातें तो बहुत करनी थी कि अभी नाइट का टाइम है तो अंधेरा हो रहा है, वीडियो सही नहीं बनेगी, तो फैमिली को लेके जाए बहुत अच्छी जगह, बहुत ही मालूम वहाँ से हमें हासिल हुई, और दीस भाई से मिल के बहुत ही मज़ा लगा, शुक्रिया दीस भाई आपका। और दानी से पूछते हैं क्या कहते हैं, फिर कैसे करा करते हैं वीडियो का एंड, और हम चाहते हैं अल्लाह हाफिज़। सो गाइस हमें काफ़ी इधर हमने एंजॉय किया काफ़ी, तो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस भी हुआ है, काफ़ी जगह हमें पता लगी हैं, तो इंशाल्लाह आप भी विज़िट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।